नून और जनून आमने सामने, फैसला कुन मार का आज होगा। पीपी 168 में जिमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। पीटीआई के मलिक असद खोकर और नून लीग के राणा खालिद कादरी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। लीगी मतवालों को जयालों की भरपूर हिमायत, कप्तान के खिलाड़ी भी बाउंसर मारने को तैयार। फिर शेर धाड़ेगा या बल्ला चलेगा, ख्वाजा साद रफीक की छोड़ी गई नशिस्त पर आज मैदान लगेगा। 1,26,912 वोटर्स किरायेदारी इस्तेमाल करेंगे। हल्के में 83 पोलिंग स्टेशन कायम, 16 पोलिंग स्टेशन हसास करार। सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल, पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तायुनात। पंजाब में सियासी मुदाखलत या हिकमत अमली में तब्दीली। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार का कभी तबादला करने और कभी वापस करने का हुक्म। डायरेक्टर एंटी करप्शन शुएब खान को पहले ओएसडी बनाया, अब फैसला मंसूख करके दोबारा ओहदे पर बहाल कर दिया। सीईओ एजुकेशन बिहारी शौकत अली का तबादला भी तब्दील, 5 रोज बाद सीईओ खानेवाल लगा दिया गया। नई हुकूमत का पुराना फैसला, पंजाब पुलिस फिर से पुरानी वर्दी पहनेगी। तर्जुमान वजीर आला पंजाब का दावा, डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं आईजी पंजाब पुरानी यूनिफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला कर चुके। बल्दिया उज़्मा लेस्को के 30 करोड़ रुपए का नादहिंदा। मेयर लाहौर की लेस्को चीफ को 10 करोड़ रुपए 1-2 रोज में अदा करने की यकीन दहानी। टाउन हॉल में स्ट्रीट लाइट्स के नए मंसूबे और वाजिबात से मुतालिक इजलास। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 27 मॉडल सड़कों पर इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स लगाने का भी फैसला। सजना सवरना तो टैक्स भी भरना है। खवातीन का मेकअप अब पड़ेगा मजीद महंगा। शहर के 57 ब्यूटी पार्लर सेल टैक्स नेट में रजिस्टर्ड कर लिए गए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मुतअद्दिद बार नोटिसेस, पार्लर्स मालिकान का नो रिस्पॉन्स। तफसीलात की अदम फराहमी पर ब्यूटी पार्लर्स को 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। FBR का फैशन डिजाइनर नताशा कमाल के आउटलेट पर छापा। नताशा कमाल की रिहायशगाह पर कायम आउटलेट से रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। नताशा कमाल करोड़ों रुपए की सेल्स के बावजूद सेल्स टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं थी। रेलगाड़ी में बगैर टिकट सफर और इनकी मुआवनत करने वाले हो जाएं होशियार। IG रेलवे पुलिस ने स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। 1 माह में बगैर टिकट सफर करने में मुआवनत करने पर 30 पुलिस मुलाजमीन को महकमाना सजाएं सुना दी गई। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। ख्वाजा साद रफीक और नैब प्रोसिक्यूटर हाफिज असद की अदालत में तलख कलामी। ख्वाजा साद रफीक ने नैब के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। मेरा खाना घर से आना भी बंद कर दिया, घर से आए खाने को नैब ने वापस भेज दिया। मेरे सेल में CCTV कैमरे नस्ब कर रखे हैं, अदालत में बयान। अपने मामला ठीक करें, एहतसाब अदालत के जज की नैब को हिदायत। अदालत के बाहर लीगी कारकुनान की नारेबाजी। पैरागॉन सोसाइटी गैर कानूनी, LDA ने कोई NOC नहीं दिया। नैब हुकाम, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से ख्वाजा बरादरान को बाकायदगी से पैसे आते रहे। ख्वाजा साद रफीक की अहलिया गजाला साद, कैसर अमीन भट्ट और नदीम जिया भी पार्टनर के तौर पर सामने आए। कैसर अमीन भट्ट के वादा माफ गवाह बनने पर तहकीकात की तौसीक हुई। नैब हुकाम, पैरागॉन स्कैंडल केस, एहतसाब अदालत ने कैसर अमीन भट्ट को 10 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का मुलजिम को 22 दिसंबर को दोबारा पेश करने का भी हुक्म। प
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लाहौर एयरपोर्ट से जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई जनूबी अफ्रीका पहुंचेगी। कौमी स्क्वाड की कयादत सरफराज अहमद करेंगे। और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मयारी तालीम के साथ तलबा को मयारी तफरी का भी तोहफा। रंगारंग यूथ फेस्टिवल का अहतमाम। मौसीकी के तड़के ने रंगो रौनकें बढ़ा दी। गुलकारा आइमा बेग की शानदार परफॉर्मेंस, तलबा खूब लुत्फ अंदोज हुए।